कोरोना की दस्तक के साथ मात्र 9 महीने में दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन भारत के नागरिकों की जान बचाने के लिए दे दी, और केवल भारत को ही नहीं बचाया, दुनिया के 100 देशों को अपने यहां की वैक्सीन भी दी। ये होती है लीडरशिप, पहल करना, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास प्रारंभ कर देना, रिसर्च पेपर लिखना, डाटा हो उस डाटा के आधार पर एनालिसिस करना और फिर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। आप बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये दोनों में हो सकता है, आयुष में भी हो सकता है, एलोपैथ में भी हो सकता है। इन दोनों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए, और कोरोना कालखंड में बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य करते थे। अगर हम शोध की संभावनाओं को ही बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम दूसरों पर ही आश्रित रहेंगे, और यही होता था पहले। आखिर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती तो थी 2017 के पहले, और जब 17 में हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हम लोगों ने नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। लोगों ने हमारे एक प्रयास की खिल्ली उड़ाई। पहले हम लोगों ने जब प्रभावित क्षेत्रों में साबुन वितरित किए, स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने के लिए लोगों को आह्वान किया, परिणाम क्या था? 3 दिन तक ट्रायल चला था, मीडिया ट्रायल। ये देखो बयानबाजी शुरू होती, गरीबों का अपमान हो रहा है। हमने जब स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया तो उसको भी ट्रायल किया गया था, और यही केवल यहीं तक सीमित नहीं था। जुलाई 2017 में अभियान चलाया गया कि ऑक्सीजन से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। हम लोग गए, संजोग था कि उस संस्थान में 3 दिन पहले मैंने स्वयं विजिट किया था, मैं भौचक था। जब मैं गया वही पेशेंट वहां लेटे हुए, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ऑक्सीजन के अभाव में कौन लोग मरे हैं? पेशेंट थे सब वही हैं, क्योंकि जिनको मैं 3 दिन पहले देख के गया था। कहा साहब पता नहीं कैसे कोई चला रहा है। ये चीजें भी होती हैं, और आज वही इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में, जहां 1200 से 1500 मौतें होती थी, ये मौतें लापरवाही थी, ये मौतें टीम वर्क नहीं था, ये मौतें गरीबों के प्रति उन लोगों का संवेदनहीनता का प्रदर्शन करता है जो जाति जाति के नाम पे समाज को भिड़ाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते, देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करती हैं कि इसी प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। आखिर वे 50,000 बच्चे किसी परिवार के रहे होंगे? प्रदेश में उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वे सभी बच्चे कालकल्पित होते रहे और लोगों को अपना वोट बैंक बनाने से फुर्सत नहीं थी। सरकार ने एक पहल की, मात्र 4 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर दी, और आज मैं कह सकता हूं, अक्सर मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नियंत्रण में है। मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 96 से 98% नियंत्रित किया है, 96 से 98% नियंत्रण मौत के आंकड़ों में हुआ है। मलेरिया प्रदेश के जिन जनपदों में होता था, 17 के पहले और 17 के बाद के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। चिकनगुनिया कालाजार नियंत्रण में है, डेंगू की जो सनसनी फैलती थी आज नियंत्रण में है। ये सरकार के स्तर पर प्रयास, लेकिन सरकार तो आपको सुविधा दे सकती है, सरकार आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फील्ड में काम तो आप लोगों को करना है, प्रयास आप लोगों को करना है, और इसमें लेक्चरर का भी काम है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की भी बड़ी जिम्मेदारी है, ये बैकबोन है पूरी स्वास्थ्य सेवा का।
और व्यवहार आप लोगों का, आपका व्यवहार जैसे होगा, याद रखना पेशेंट जिंदगी भर याद रखता है, पीड़ा के समय अगर हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, आप उम्मीद मत करिए फिर कि हम उसकी दुआ प्राप्त कर पाएंगे। भाई कार्य करते करते व्यक्ति, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कैरियर को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन कैरियर के साथ साथ लोगों की दुआ भी लेते जाइए। लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा बोलें, और लोग आपके बारे में चर्चा भी करें, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पेशेंट आया, पीठ थपथपा दिया उसका, बता दिया उसको भाई स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो। इतना भर कहना, याद रखना उस व्यक्ति को एक नया जीवन दे देगा। केवल एक बार आपके स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आप एक बार बोल देंगे, अगर आप देखते ही झल्ला करके पहले ही बोल देंगे कि अरे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो गया काम से। तब तो जो ठीक होने वाला है वह भी बेचारे को, तो आधे तो आप लोगों का व्यवहार ही उसको वो कर देगा। ऐसा कभी ना हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना, कभी ना हो। अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक रिजल्ट भी वो अपने आप दे देगा, चमत्कारिक परिणाम आएंगे। आपका व्यवहार उसको, उसके परिवारजन के साथ, वो पीड़ित पीड़ा है, पीड़ा में है, झल्लाएगा, परिवार के लोग झल्लाए सकते हैं, हमें उससे अपने आप को अलग करके रखना है। बहुत अच्छा व्यवहार करना है, सद्व्यवहार हमारा होना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। आपका भी और आपके संस्थान के नाम को वे बढ़ाएंगे, और आज इसीलिए सरकार का पहल है कि मैन पावर की पूरी आपूर्ति हो, चाहे वह आयुष विभाग के हों, चाहे वह स्वास्थ्य